Time is spent in a reconciliation conflict management meeting. Time is spent in discussing. 80% time is discussed, is spent in discussing something which should not have occurred. And there is no time left for problem solving. घरों के झगड़े, हर झगड़े के पीछे तीन तीन दिन तकरार होती है. दूसरे को बताया जाता है कि तुम कितने बुरे हो, तेरा खानदान कितना बुरा है, तेरी नस्ल कितनी बुरी है, तुम कितने. लेकिन मेरे में इतनी करेज नहीं कि मैं तुझे छोड़ सकूं, रहूंगा मैं तेरे साथ. बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कसिंग ऑल दोज बैड थिंग्स अकर टू यू. समवन हैज डन बैड टू यू वॉन्स. Someone has done bad to you once. Now, as many times as you will remember, memorize, or maybe put it forward and tell that story to somebody else, that it will reoccur, and you will feel bad and worse. किसी ने तो आपके साथ एक दफा ज्यादती की ना, अब जितनी दफा आप उसके बारे में सोचेंगे या उसको बयान करेंगे, ये ज्यादती आप अपने साथ कर रहे हैं. So the positive attitude or law of focus का जो combination है वो ये कहता है, you should be focusing on what you desire from life, not what you actually did not desire. But people are spending their energies in discussing something which was not desirable. वो अगर आप रेस, थैंक यू, अगर आप रेस कार ड्राइवर से डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इसको डिहाइड्रेशन ही ना हो जाए, ये मुद्दा पड़ जाएगा या इमरजेंसी में जाना पड़ जाए. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. वक्फे के लिए रेस कार ड्राइवर जो होते हैं, रेस कार ड्राइवर से अगर आप पूछें, मैं आपको मजे की बात बताऊं, देयर वाज वन टाइम आई विटनेस एन एक्सीडेंट फ्रॉम ये नथिया गली के पास. वो गाने ऊंचे से लगे हुए थे और वो खान साहब बड़े मूड में थे, तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि आगे रश लगा. मैंने कहा ओके जी, ट्रक नीचे गिर गया. मैं फटाफट गाड़ी से बाहर निकला, देखा वही ट्रक था. लकीली वो जो ड्राइवर साहब थे वो बच गए, वो पहली छलांग मार दी उसने. तो जब उसका थोड़ा सा हौसला आया तो मैंने उससे पूछा, खान साहब की कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप खान साहब? तो खान साहब आगे से कहने वैसे, मैंने मुझे टुक मी अ वॉयल टू ट्राई टू यू नो ब्रिंग हिम बैक टू द आंसर आई वॉज लुकिंग फॉर. मैंने उसको कहा आप कर क्या रहे थे, देख क्या रहे थे? कहता जी मैं नीचे खाई में देख रहा था. यू नो खाई में इसलिए तो नहीं देख रहा था कि उसने खाई में गिरना है. एक्चुअली वो देख इसलिए रहा था कि वो डर रहा था, लेकिन माइंड डज नॉट रियली नो वाई यू आर वॉचिंग समथिंग. चले आज एक और ट्राई कीजिएगा, लेकिन किसी खाली सड़क पे कीजिएगा. यू आर ड्राइविंग अ कार, समवन इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू, और मे बी दैट पर्सन इज ड्राइविंग अ कार एंड यू आर सिटिंग देयर. आप उसे कहते हैं वॉच द कर्व, वॉच द कर्व, खंबा देख, खंबा खंबा खंबा. वो बेचारा खंबा देखना शुरू करेगा, गाड़ी खंबे में जाकर लग जाएगी. ऐसा होता है, इसीलिए होता है कि एक्चुअली आप खंबे को, इसलिए आप कहना ये चाह रहे हैं खंबे को बचाना, आप कह रहे हैं खंबे को देखो. माइंड को ये नहीं पता कि आपने खंबे को क्यों देखा, लगने के लिए देखा या अवॉइड करने के लिए देखा. माइंड आपको दे दे. आप इम्तिहान में दो चीजें हैं, आइदर यू स्टडी बिकॉज देर इज अ प्लेयर एसोसिएटेड विद यू क्वालिफाइंग, और यू स्टडी बिकॉज देर इज पेन एसोसिएटेड विद यूर फेलियर. ये दो इंटरनल मोटिवेशन फैक्टर्स हैं. पीपल आर पेन ड्रिवन और प्लेयर, या तकलीफ अवॉइड करने के लिए या इसलिए कि वो काम से आपको खुशी मिलती है. अल्लाह को ये पता था. That is why in Quran with every ayat पैगंबरों के साथ ये लिखा हुआ है कि मैंने इनको बशीर और नजीर बना के भेजा, बशारत देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले और नजीर डराने वाले. यू नो मुझे इन सवालों का जवाब भी अमेरिका में मिला थ्रू बिहेवियर साइंसेस कि अच्छा दिस इज अ फिलॉसफी, पीपल आर आइदर पेन और प्लेजर ड्रिवन. गॉड क्रिएटेड अस, ही न्यू दैट मैनी ऑफ अस विल बी आइदर पेन और प्लेजर और मिक्स ऑफ बोथ. सो अल्लाह वॉन्टेड टू टेल अस कि कुछ लोगों के लिए तो
जन्नत का नक्शा इज क्वाइट मोटिवेटिंग टू वेक देम अप इन द मॉर्निंग फॉर फजर प्रेयर, लेकिन कुछ लोगों को शायद दोजख मोटिवेट करे बचना सुबह उठाने के लिए. सो पीपी यू कैन ऑलवेज यूज दैट, बट क्वेश्चन इज के लॉजिकली स्पीकिंग रिजल्ट यह बताता है पीपल हु आर प्लेयर ड्रिवन दे डू समथिंग बिकॉज दे ड्राइव प्लेयर आउट ऑफ एन एक्टिविटी दे टेंड टू बिकम मोर सक्सेसफुल देन पीपल हु आर डूइंग थिंग्स टू अवॉइड पेन. रिजल्ट बहुत फर्क है, काम दोनों कर देंगे रिजल्ट बहुत फर्क होगा. सो इसका मतलब यह हुआ यू कैन ऑल्सो एसोसिएट प्लेयर विद एन एक्टिविटी. यस देयर इज अनदर एटीट्यूड बट दैट एटीट्यूड इज ऑफ अ लूजर्स. That attitude is of a loser that you are doing something to avoid pain. So the focus should be right. अगर आप रेस कार ड्राइवर से यह पूछें कि what is the secret of your success, वो आपको यह कहता है कि there is only one secret. Keep the accelerator, keep pushing the accelerator or the pedal to the floor and continue focusing with your eyes on the track. अगर आप उससे पूछें अच्छा अगर तुम्हारी गाड़ी कच्चे में उतर जाए फिर क्या करोगे, उसने कहा आहा नेवर एवर लुक ऑफ ट्रैक इवन व्हेन योर कार इज ऑन द डर्ट ट्रैक बट स्टिल यू कंटिन्यू वॉचिंग ऑन द ट्रैक. व्हाट वुड हैपन, योर माइंड विल गेट द सिग्नल एंड दैट द लास्ट मिनट द टायर टू द स्टीयरिंग विल टर्न बैक टू द ओरिजिन. अगर आपने कच्चे में देखना शुरू कर दिया You will stay in kaccha forever. यह है फोकस. हम लोगों का फोकस गलत है रिलेशनशिप के ऊपर, डिस्कशंस में, कॉन्फ्लिक्ट में, हर चीज में हमारा फोकस ही गलत है. झगड़ा हुआ है, झगड़े का फोकस यह नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको यह बताना है यह कितनी बुरी है या यह कितना बुरा है. फोकस तो होना चाहिए लेट्स सिट डाउन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. हमारा एटीट्यूड क्या है, आप किसी शादी में चले जाएं, अच्छा खाने में दो घंटे एंड द हेयर कम्स अ डिस्कशन ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन इन पाकिस्तान. आज ये किया जरदारी ने किया जी, इंडिया के जहाज आ गए थे जी, ये कर दिया जी, इस मुल्क का बुरा हाल होने वाला है जी, बस कोलैप्स होने वाली है भाई, इंडिया आ जाएगा जी, फलाना आ जाएगा. अच्छा साथ ही आवाज आती है जी खाना इज रेडी आ जाओ चलेंगे. पीपल टॉक फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग फॉर किलिंग टाइम. They don't talk because they want to have a solution. और ये साल हर साल से ये चल रहा है. I mean, आप जगह जगह ये बात अच्छा है वाकई. The science जो ये कहती है you should be spending less than 10% time in analyzing the situation and the 90% time should be spent in coming up with the solution to the problem. And here comes people who are almost always complaining about the bad situation. Giving wrong signals to their mind ki how tough and how bad the situation is around and how poor fellow you are. So focus should be right. Now the fourth very important law of positive attitude is what we call law of attraction. And I think ye sabse zyada aapko interesting lagega. You are attracted towards and attracted to people and things like you. वो अक्सर कहा बच्चा ओ सर आई एम इन लव विद हर. मैं कहता अच्छा क्यों, शी इज द वंडरफुल वन. अच्छा आई डोंट टेंड टू बाय दिस सेंटेंस, रीजन बींग सिंपल, देर इज नो खूबी. वो अक्सर कहा बच्चा ओ सर आई एम इन लव विद हर. मैं कहता अच्छा क्यों, शी इज द वंडरफुल वन. अच्छा आई डोंट टेंड टू बाय दिस सेंटेंस, रीजन बींग सिंपल, देर इज नो खूबी इन दैट पर्सन यू लाइक. यू आर लाइकिंग दैट पर्सन बिकॉज You see your role modeling somehow matching with that person's profile. If you are a loser, if you have a wrong attitude, if you come from a lower class, uneducated class,
यू विल अट्रैक्ट इट टूवर्ड्स एंड यू विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द सेम क्लास. अल्लाह ये कह रहा है यू कैन ऑलवेज चेंज थिंग्स. कैसे? यू फर्स्ट बिकम लाइक द पीपल यू वॉन्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड यू वुड लाइक अट्रैक्ट दैम टू यू. यानी कि यह नहीं होगा कि आपका एनवायरमेंट पहले चेंज होगा, पहले आपकी सोच चेंज होगी.